हेलो ज्ञान के ठरके में, और फिर मेरे को बता देना एक नोवेल सजेस्ट करके, और सीधा जाके सर्वे क्वेश्चन में गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि उसे इस डू स्किल की पावर अच्छी तरीके से पता थी। जो यान को अब तक समझ में आ जाता है कि हेम्यूनेस में इतने सारे बैरियर्स आखिरकार क्यों लगा के रखे थे, क्योंकि इसका ट्रेजर सच में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और लग्जीरियस था, जिसमें मैन क्लास डू टेक्निक, डी क्लास मेडिसिनल फॉर्मूले, काफी सारी मेडिसिन, डू क्वी मेथड्स, डू इट स्किल्स भर भर के रखे हुए होते हैं, जो देखकर जो यान बिल्कुल गार्डन गार्डन हुआ फिर रहा होता इस टाइम पे। हालांकि उस स्टोरेज रिंग में और भी काफी सारे ट्रेजर्स थे, लेकिन जो यान के लिए ये एक स्क्रोल काफी था उन सभी खजानों के ऊपर। इसके बाद जो यान वापस से उस स्क्रोल को उस लड़की के बॉक्स लकड़ी के बॉक्स में रख देता है, और इसके बाद उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है, और वापस से कोई दूसरी स्प्लिट क्लास डू टेक्निक को ढूंढने के लिए अंदर घुस जाता है। इस टाइम पे जोयान सोच रहा होता है कि हेम्यू का दूसरा अटैक, जो कि हेवन कैप्चरिंग क्लॉ था, या शायद उससे भी और कुछ कीमती उस स्टोरेज रिंग में उसे मिल जाए। हालांकि जोयान का बैड लक होता है कि यहाँ पे उसे कोई भी दूसरी स्प्लिट क्लास डू टेक्निक नहीं मिलती। हालांकि जो यान को इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि उसे दूसरी स्प्रिट क्लास डू टेक्निक नहीं मिली या कुछ और नहीं मिला, क्योंकि जो यान के लिए वो पहले ही काफी थी। इसीलिए जो यान अपने आप को काफी ज्यादा सेटिस्फाइड समझ रहा होता इस टाइम पे, और इतने सारे ट्रेजर्स मिल जाने के कारण अभी उसके दिल में खुशी समा ही नहीं हो रही होती। हालांकि इसी तरह जो यान के ये 3 दिन भी पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं, और इन 3 दिनों के रिट्रीट में जो यान पहले ही अपने पीक लेवल तक पहुंच चुका था, और उसका ऑरा पहले ही रिकवर हो चुका था। इसके बाद जो यान काफी ज्यादा लाल पीला और गुलाबी गुलाबी दिख रहा होता है। जो यान तुरंत ही अपनी जगह से उठकर ओल्ड लुओ और ओल्ड किंग म्यू से मिलता है, जिसके बाद उनसे थोड़ी सी चिटचैट करने के बाद जो यान वहां से निकलने वाला होता है। और उन दोनों लोगों को भी पता था कि अब तक जो यान के जाने का टाइम हो गया, इसीलिए वो लोग भी ज्यादा बात नहीं करते। वो बस यहाँ पे एक ही चीज कर सकते थे कि जो यान का इंतजार और एक गुड न्यूज का वेट, जो कि जो यान उनके लिए लेकर आएगा, और वो यही चीज उम्मीद कर रहे थे कि जो यान इस ग्रैंड मीटिंग को जरूर जीतेगा। तभी ओल्ड वो जो यान की तरफ देखते हुए कहते हैं, ठीक है छोटे साथी, आपको जाना चाहिए, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आपको वहां से जीत कर आना है, क्योंकि वही मेरा गिफ्ट होगा आपकी तरफ से। जिसके बाद ओल्डू अपनी पावर को शो करते हुए तुरंत ही वहां पे स्पेस को क्रैक करते हैं, और वहां से एक वार्म होल को क्रिएट करते हैं, और जियान की तरफ स्माइल करते हुए देख रहे होते हैं। उनकी बात को सुनकर जियान अचानक ही एक्साइटेड हो जाता है और स्माइल करता है, जिसके बाद वो उन दोनों को ही ग्रीट करता है, और उनके सामने झुकते हुए कहता है कि एल्डर्स, अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। हालांकि फ्यूचर में मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आकर आप दोनों को थोड़ा सा परेशान जरूर करूंगा। ये सुनकर किंग म्यू भी अपने दिल में स्माइल करते हुए जियान के कंधे को थपथपाते हैं और कहते हैं, ठीक है छोटे साथी, ये सब समय की बात है। तभी ओल्ड वो भी कहते हैं, छोटे साथी, फ्यूचर से आपका क्या मतलब है? हम बहुत करीब हैं, अगर आपको कभी भी हमारी याद आती है तो आप बस चिल्लाइएगा और हम आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएंगे। जिसके बाद जियान आसमान में खड़ा होता है और उस पूरी ही जगह को देखता है जहाँ पे जियान इतने दिनों से रह रहा था, जो देखकर वो थोड़ा सा खुद को हैप्पीएस्ट फील कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे जियान को काफी ज्यादा एकांत और अलग सी फीलिंग्स मिली थी। हालांकि इसके बाद जियान तुरंत ही मुड़ता है और उस आंगन से बाहर निकल जाता है, और निकल पड़ता है सीधा ही एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग की ओर, क्योंकि एकमात्र वही ऐसी जगह थी जहां जियान बता सकता था कि हाँ, मुझ में पावर है और मैं अपने दम पर इस लेवल तक पहुंचा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जियान सीधा ही स्वेट सिटी की सड़कों पर चलता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे आसपास के लोग जुआन को देखकर आपस में बातचीत करने लगे होते हैं, और उनके चेहरों में थोड़ी सी कड़वी स्माइल दिखाई देती है। इस टाइम पे वे सभी लोग जुआन और मोडी के बारे में ही बात कर रहे थे, जो कि अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले थे, और दोनों ही लोग अब तक एशियन स्वेट सिटी के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर बन चुके थे। हालांकि जुआन ने उनके जो वर्ड सुने थे उसमें वो सभी लोग जुआन की बेइज्जती ही कर रहे थे, और कह रहे थे ये तो एक चूहा है, डरपोक है, जो कि अपने आप को उस टाइम पे अपेयर भी नहीं कर रहा था, एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट करने तक के लिए नहीं आया था। हालांकि जुआन यहाँ पे इन सभी की बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन जुआन को पता था कि अब उसे खुद को प्रूव करके दिखाना ही पड़ेगा। इस टाइम पे जुआन बस रोड पे अपनी मदमस्त चाल में चलता जा रहा होता है कि तभी जोयान के सामने एक ह्यूमन फिगर अपेयर होती है, जो कि जैसे ही जमीन में उतरती है तो आसपास धूल उड़ने लगती है और किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। उस धूल के हटते ही आसपास के लोग सभी लोग देख सकते थे कि वहां पे एक ओल्ड फिगर है, जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में दिखाई दे रही है। मुंह से ब्लड के निशान निकल रहे थे, शरीर में काफी सारी चोटें थी,
और इसी के साथ ही साथ उनके पीछे चार लोग दौड़ रहे होते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे, और उनकी पावर भी हाफ मार्शल एम्परर लेवल के पास पहुंच चुकी थी, जबकि जो ओल्ड मैन घायल था उसकी पावर भी 4 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर ही थी। वो चार लोग उस ओल्ड मैन को घेरे हुए थे और काफी ज्यादा क्रूएल तरीके से उसे देख रहे होते हैं, जिसके बाद उनमें से एक इंसान कहता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था कि एकमात्र 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल का ओल्ड मैन वास्तव में हम चारों लोगों से बचने की कोशिश कर रहा है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम लोगों से बच पाओगे? उन चार लोगों में से जिसने अभी अभी बात की थी उसकी पावर सबसे ज्यादा थी और वो 4 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच चुका था। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा एरोगेंट और डिसरिस्पेक्टेड वे में उस सामने वाले ओल्ड मैन की बेइज्जती कर रहा होता है। तभी वो फिर से कहता है, किंग झोंग, मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम्हें वाइड एशियन पूल इनविटेशन मुझे दे देना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते तो इसके बाद अपनी हालत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। और इतना कहते ही वो तुरंत ही अपना राइट हैंड पावरफुल तरीके से किंग जोंग की चेस्ट पे शूट कर देता है और किंग जोंग को बोलने का टाइम तक नहीं देता। हालांकि किंग जोंग की हालत काफी ज्यादा खराब थी और इस अटैक को देखकर तो उसके हाव भाव काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता होता है कि अपने प्रेजेंट टाइम की पावर को देखते हुए वो इस अटैक को तो बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकता। हालांकि फिर भी वो अपनी पूरी पावर को गैदर करके इस अटैक से डॉच करने के लिए सोचता है कि तभी बाकी के वो 3 लोग भी किंग जोंग को वहां पे रोक देते हैं और अपनी जगह से पीछे नहीं हटने देते, जिसके कारण वो पावरफुल पंच सीधा ही किंग जोंग की चेस्ट से जाकर टकरा जाता है और किंग जोंग पीछे की तरफ शूट होते हैं और उनके मुंह से ब्लड बेतहाशा ही निकल रहा होता है। इस टाइम पे उनका ऑरा भी काफी ज्यादा वीक हो गया होता है। हालांकि तभी वो पावरफुल अपोनेंट दूसरा अटैक करने ही वाला होता है कि वहां पे अचानक से एक चमकदार लाइटिंग आ जाती है और वहां एक ह्यूमन फिगर अपेयर होती है जो कि किंग जोंग को वहां से लेकर तुरंत ही वहां से गायब होकर थोड़ी दूर पर खड़ी हो जाती है। और इसके बाद एक ठंडी और बर्फीली आवाज हमें सुनाई देती है कि तुमने उसे चोट पहुंचाने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल किया है, खाने वाले या धोने वाले? जिसके बाद वॉइस फिर से आती है कि मुझे बताओ कि अभी अभी तुमने किस हाथ से उसे चोट पहुंचाई है। इस वॉइस से निकलने वाली एनर्जी फ्लैक्चुएशन और प्रेशर को देखकर तो वहां पे खड़े हुए सभी लोगों के सिर के बाल खड़े हो गए थे, क्योंकि ये वर्ड होते हैं हमारे ठर की हीरो जियो यान के। जियो यान के वर्ड निकलते ही आसपास का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और जो लोग वहां पे तमाशा देखने के लिए खड़े होते हैं वो भी काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और पसीने पे पसीना निकल रहा होता है उनके बॉडी से। भीड़ में लोग जैसे ही उस ह्यूमन फिगर को देखते हैं जो कि अपेयर हुआ था तो वो तुरंत ही पहचान लेते हैं कि एक काले कपड़े वाला इंसान यान जियो ही है। हालांकि लोग अभी भी कंफर्म नहीं थे कि ये यान जियो ही है या नहीं, क्योंकि जो यान तो 1 महीने से गायब था। लेकिन तभी वहां पे एक ओल्ड मैन जो कि काफी ज्यादा नॉर्मल दिखाई दे रहा था वो सबकी तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि अगर मैं बता दूं कि ये कौन है तो आप सभी लोगों के होश उड़ जाएंगे। जो सुनकर तो पूरी भीड़ उस फाइट को ना देख कर उस ओल्ड मैन को देखने लगती है, क्योंकि वो सभी लोग एक्साइटेड थे ये जानने के लिए कि ये ह्यूमन फिगर कौन अपेयर हुई है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि ये वही है जो कि 1 महीने से गायब था और आप लोग इन सभी का मजाक उड़ा रहे थे। जिसके बाद उसकी स्माइल और ज्यादा चौड़ी हो जाती है और दिल और चेस्ट 56 इंच का होता है, जिसके बाद स्माइल करते हुए वो कहता है, ये है यान जियो जिन्होंने एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था और जिनके कारण एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग को 1 महीने के लिए पोस्टपोन भी होना पड़ा था। ये सुनकर तो वो लोग जो कि अभी तक जुआन की बेइज्जती कर रहे थे काफी ज्यादा डरे हुए चूहे की तरह दिखाई देते हैं, और इसके बाद जुआन को देख रहे होते हैं कि वास्तव में वो इंसान जिसने अभी अभी किंग जोन को बचाया वो यान जियो है। यहाँ तक कि वो चार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर जो कि अभी अभी यहाँ फाइट करने के लिए आए थे वो भी काफी ज्यादा शॉक तरीके से जुआन को देख रहे थे कि ये वास्तव में यान जियो है जो कि पहले ही 1 महीने से गायब था। हालांकि जुआन यहाँ पे भीड़ को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है, जिसके बाद एक अननोन सी स्माइल करते हुए उसी ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहता है, ओल्ड मिस्टर, आपकी आंखें तो सच में काफी ज्यादा तेज हैं, भला आप कैसे कह सकते हैं कि मैं ही यान जियो हूँ? जैसे ही वो ओल्ड मैन जुआन के वर्ड सुनता है तो वो तुरंत ही काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में जुआन की तरफ हाथ जोड़ते हुए उसे ग्रीट करता है, जिसके बाद वो स्माइल करते हुए जुआन से कहता है, सर आप मेरी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी आंखें काफी ज्यादा अच्छी हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपसे एक बार मिल पाया था और इसीलिए मैं आपको पहचान पाया हूँ। ये सुनकर जियान स्माइल कर देता है और कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं कहता, क्योंकि जियान को पता था कि अगर यहाँ पे लोगों से पहचान भी लेते हैं तो घंटा फर्क नहीं पड़ना। इस टाइम पे जियान अपना ध्यान
उन चार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के लोगों पर फोकस करता है, जिसके बाद जियान किंग जोंग की तरफ देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे। हालांकि किंग जोंग का ऑरा काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था, लेकिन वो जैसे ही जोयान को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जोयान की तरफ देखने लगता है। तभी जोयान उसे आखिरकार उठाकर जमीन तक ले जाता है और जमीन पे उसे एक जगह पर बैठा देता है। हालांकि किंग जोंग जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है तो जियान तुरंत ही उसे एक मेडिसिनल पिल तुरंत ही खिला देता है। वो मेडिसिनल पिल जैसे ही किंग जोंग की बॉडी के अंदर जाती है तो उसकी इंजरी तेजी से रिकवर होने लगती है और उसकी डुइकुई और पावर और ऑरा तेजी से रिकवर होने लगता है, जो देखकर किंग जोंग भी काफी ज्यादा शॉक होता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। हालांकि किंग जोंग की ऐसी हालत को देखकर जियान स्माइल करता है कि ये धीरे 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 रिकवर हो जाएगा और उससे कुछ भी नहीं कहता, ना ही कुछ बताता है, बस उसे संकेत करते हुए अपना हाथ हिलाता है और कहता है आराम करो। जिसके बाद जियान वहां से खड़ा होता है और अपनी काफी ज्यादा क्रूयल नजरों से उन फोर हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर्स की तरफ देखता है, जिससे वो सभी लोग काफी ज्यादा बुरी तरीके से कांपने लगते हैं, क्योंकि इन सभी ने जियान का नाम सुन रखा था। साथ ही साथ उन्हें अच्छे से पता था कि जियान ने ली फैमिली के लीगन को कितनी बुरी तरीके से धोया था, जो कि 6 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर थे। तो यहाँ तो उनकी कहने की कोई बात ही नहीं थी वाला। हालांकि फिर भी लालच तो लालच होती है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वाइल्ड लाइटिंग पूल इन्विटेशन अभी भी उनकी आंखों के सामने है, तो वो भला कैसे हार मान लेते। तभी जियान उन चारों को देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है, मैंने आप में से किसी से कुछ पूछा था। तभी उनमें से जो सबसे पावरफुल था, जिसकी पावर 4 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर थी, वो जियान की तरफ देखता है और इसके बाद जियान का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम ही वो यान जियो हो जो 1 महीने से छिपे हुए थे? तो आखिरकार तुमने अब अपना मुंह दिखाया है। हालांकि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि तुम्हारे पास भी एक वाइल्ड लाइटिंग इनविटेशन पूल है, जो कि तुम्हें उस टाइम पे लीगन ने दिया था, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी देखभाल आपकी भी करनी पड़ेगी। हालांकि जियान उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और तुरंत ही अपने हाथ को हवा में उठाता है, जिसके बाद जियान के हाथ में वही सिल्वर इनविटेशन कार्ड आ जाता है जो कि उसे उस टाइम पे लीगन ने दिया था। जिसके बाद जियान उसे अपने हाथ में रखता है और उसी ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे बताओ कि तुमने किस हाथ से इस पर अटैक किया था। जैसे ही वो ओल्ड मैन जियान के कोल्ड वर्ड्स को सुनता है तो वो काफी ज्यादा सिंपल और शांत तरीके से जियान की तरफ देखते हुए कहता है कि ओल्ड मैन को पता है कि आपके पास काफी सारे पावरफुल डू स्किल्स हैं, जो कि आपको 6 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर के सामने भी फाइट करने में कैपेबल बनाते हैं। हालांकि यहाँ पे 4 हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर हैं, क्या आपको सच में लगता है कि आपके पास कोई स्ट्रेटजी होगी कि आप मुझसे इस तरीके से बात कर सकें? जिसके बाद वो अपने एक पैर को आगे बढ़ाता है और काफी पावरफुल ऑरा जोयान की तरफ अचानक से शूट हो जाता है। उसके इस तरीके के काले कारनामे को देख कर जोयान तुरंत ही अपने होठों को अजीब सी स्माइल में मोड़ता है और इसके बाद अपने कदम को सिर्फ आधा ही बढ़ाता है और जैसे ही जमीन में पटकता है तो ये एक पावरफुल ऑरा, जो कि उस ओल्ड मैन से बिल्कुल भी कम नहीं था, तुरंत ही काफी ज्यादा वाइल्ड तरीके से आगे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो दोनों और एक दूसरे के साथ कोलैप्स करते हैं या कि टच में आते हैं तो उस ओल्ड मैन के हाव भाव तुरंत ही बदल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने सोचा होता है कि जियोयान को वो अपने ऑरे के नीचे दबा देगा। हालांकि उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि जियोयान का ऑरा खुद इतना ज्यादा पावरफुल होगा जो कि उससे नहीं हारेगा, जिसके कारण उसे एक चीज तो पता चल गई थी कि यान जियो की पावर सच में काफी ज्यादा पावरफुल और बीस्ट लेवल की है। हालांकि जियोयान के ऑरे को देखकर पीछे खड़े हुए 3 हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वो वॉरियर भी तुरंत ही अपना एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं और अपने ही ऑरे को जियोयान की तरफ शूट कर देते हैं। ओल्ड मैन ने सोचा था कि जियोयान को वो सभी लोग मिलकर दबाने में कैपेबल होंगे। हालांकि यहाँ पे जियोयान फिर से स्माइल करता है और कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, जिसके बाद जियोयान की बॉडी अचानक से कांपती है और काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा इस बार जियोयान की बॉडी से रिलीज होता है, जो कि उन सभी लोगों के ऑरे को काफी बुरी तरीके से पीछे करने लगता है और उन्हें दबाने लगता है। इस समय वो चारों लोग जियोयान के ऑरे को रोकने के लिए पूरी प्रेशर और पूरी पावर का यूज कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा होता। वो अकेले ही जियोयान के ऑरे से यहाँ पे हारते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद सभी लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि अगर यहाँ पे लड़ाई हुई तो इन चारों हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर को एशियन स्विच सिटी में रहना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। इस टाइम पे वो चारों लोग भी जियोयान को काफी ज्यादा सीरियस तरीके से देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि जियोयान की पावर इतनी ज्यादा वीस्ट लेवल पर पहुंच गई होगी। वे सभी लोग 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर थे और एक 4 स्टार हाफ मार्शल लेवल के इंटरमीडिएट लेवल का वॉरियर था, फिर भी वो अपने कंबाइन
पावर के बाद भी जो यान को सब प्रेस नहीं कर पा रहे थे, तभी भीड़ में भी आपस में लोग बात करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो यान पहले 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल का वॉरियर था, लेकिन जो यान का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये लगभग 6 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर की तरह ही था। अब तक पूरी भीड़ जियोयान का भौकाल देखकर काफी ज्यादा सदमे में चली गई होती है, साथ ही साथ काफी सारे लोगों को तो यहाँ पे जियोयान से जेलिसी भी हो रही होती है कि आखिरकार जियोयान इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। हालांकि जियोयान इस बार फिर से उन चारों हाफ मार्शल एम्परर लेवल के डूबे हुए भावों को देखता है, जो कि काफी ज्यादा उदास होते हैं, जिसके बाद जियोयान थोड़ा सा अपना कदम आगे बढ़ाता है और जियोयान का वाइल्ड राउंड सभी लोगों को सप्रेस करके पीछे की तरफ धकेल देता है, जिससे वो काफी ज्यादा स्पीड के साथ पीछे की तरफ शूट हो जाते हैं। और इसके बाद वो काफी दूर तक जमीन में घिसटते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर जाकर एक चट्टान से टकरा जाते हैं। हालांकि इस टाइम पे उन चारों लोगों की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और वो समझ गए होते हैं कि जियोयान के लिए वो कोई भी मैच नहीं है, इसीलिए वो सोचते हैं कि उन्हें यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। हालांकि उन्हें यह भी पता था कि वो भले ही यहाँ से जाना चाहते हो, लेकिन जोयान उन्हें जाने तो नहीं देगा। हालांकि तभी जोयान अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर तो उन चारों लोगों के हावभाव काफी ज्यादा हरे हो जाते हैं, जिसके बाद वो चार अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। और उनका जो लीडर होता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, यान जियो, हालांकि आप कमजोर नहीं है, लेकिन हम चारों अगर यहाँ से जाना चाहते हैं तो आप हम में से किसी को भी नहीं रोक पाएंगे। तभी किंग जोंग, जो कि अब तक कुछ हद तक ठीक हो गया था, जियोयान के पास आकर कहता है, ब्रदर जियोयान, वो चारों ही चार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर हैं, और अगर वो चारों अलग अलग जगह पर भाग गए हैं और यहाँ से जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप सच में उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे, इसीलिए आपको अब इस चीज को भूल जाना चाहिए, उन्हें रोकना असंभव है। तभी जियोयान भी उन चारों को भागते हुए देखता है और एक इविल स्माइल पास करता है, जिसके बाद वो किंग जोंग की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ हाँ ब्रदर किंग, आप सही कह रहे हैं, हालांकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये कितने ज़्यादा पावरफुल और कितनी ज़्यादा स्पीड से यहाँ से भाग सकते हैं, तो आपको यहीं पर मेरा वेट करना चाहिए। जिसके बाद जियोयान तुरंत ही अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर आसमान में चमकता है, और इसके बाद एक ही थॉट के साथ जियोयान की बॉडी से उसकी इल्यूजनरी बॉडी अलग होती है, और दोनों ही एक दूसरे को देखकर अलग अलग डायरेक्शन में उड़ जाते हैं, और जियोयान स्काई एक्सल्यूट स्टेप का यूज कर रहा होता है। जियोयान के हाथ में जो ये स्काई एक्सल्यूट स्टेप होता है, वो एक मैन क्लास डू स्किल थी, जो कि पहले ही काफी ज्यादा पावरफुल थी। हालांकि जियोयान ने अभी भी इसमें मास्टर नहीं किया था, लेकिन जियोयान पहले ही काफी ज्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल कर पा रहा था, और इस टाइम पे जियोयान की स्पीड 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर से कम नहीं थी, इसीलिए जियोयान उन चारों में से सबसे वीक 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर की तरफ जाता है, और पलक झपकते ही वो उसे 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर के पास अपेयर होकर एक पावरफुल पंच उसकी तरफ शूट कर देता है। हालांकि वो कोई प्रतिक्रिया दे पाता या कि कोई रिएक्शन दे पाता, उससे पहले ही जियोयान का पंच उसकी चेस्ट पे घुस चुका था, जिसके बाद वो टूटे हुए पत्ते की तरह जमीन पे जाकर गिर जाता है, और इस टाइम पे उसका ऑरा काफी ज्यादा वीक दिखाई दे रहा था। इसके बाद जियोयान जल्दी जल्दी 2 बार फ्लैश करता है, और 2 और ह्यूमन फिगर डेड बॉडीज की तरह जमीन पर गिरी हुई दिखाई देती हैं। हालांकि इन तीनों को पीटने के बाद अचानक से जियोयान से काफी दूर एक ब्लास्ट की आवाज आती है, जिससे काफी बड़ा एनर्जी का फ्लक्चुएशन जनरेट होता है। उस ब्लास्ट के साउंड ने पूरी एशियन स्विच सिटी को कांपा कंपा के रख दिया था। वहां पे बैठे हुए लोगों को, या कि वहां पे खड़े हुए लोगों को, जो कि एल्डर्स थे और पावरफुल लोग थे एशियन स्विच सिटी के, उन्हें अच्छे से पता था कि यह पावर और फ्रिक्वेंसी एक 1 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर के सेल्फ डिस्ट्रेक्शन से ही जनरेट हो सकती थी। ये देखकर एशियन स्विच सिटी के सभी लोग काफी ज्यादा सहमे और चुपचाप खड़े हुए थे और आसमान की तरफ देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे उन्हें लग रहा होता है कि सच में किसी 1 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर ने अपना सेल्फ डिस्ट्रेक्शन कर लिया है। हालांकि यहाँ पे जबकि सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे, जियोयान जैसे ही इस ब्लास्ट की आवाज को सुनता है तो उसके मुंह में अचानक से एक स्माइल दौड़ पड़ती है, क्योंकि जियोयान को अच्छे से पता था कि यह ब्लास्ट उसकी एल्यूजनरी बॉडी में ही हुआ था। साथ ही साथ जियोयान ने अपने उस एल्यूजनरी बॉडी के पावर को काफी ज्यादा कम कर दिया था, जिसके कारण उसके सेल्फ डिस्ट्रेक्शन से एशियन स्विच सिटी को कुछ भी ना हो, वरना किसे पता था कि एशियन स्विच सिटी यहाँ, खुद ही अंदाजा लगा सकता हूँ। जियोयान की आवाज को सुनकर वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा बुरी तरीके से कांपने लगता है, क्योंकि उसने देखा था कि जियोयान के हाथ में अभी अभी कोई पावरफुल फ्लेम अपेयर हुई थी। हालांकि जैसे ही जियोयान अटैक करने ही वाला था कि अचानक से एक फैमिलियर वॉइस जियोयान के कान में चली जाती है, हाँ हाँ यान जियो, तो ये आप हैं, मुझे तो लगा कि यहाँ पे कुछ हुआ है, मैं वास्तव में पिछले 1 महीने से आपको ढूंढ रहा था,
ये वॉइस सुनते ही जियान का हाथ रुक जाता है, जिसके बाद जियान अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखता है तो वहाँ पे दर्जनों ह्यूमन फिगर्स अपीयर हुई होती हैं, जिसमें से कुछ जानी पहचानी पुरानी शख्सियत होती हैं जिन्हें जियान जानता था, और वे सभी लोग जियान को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड तरीके से देख रहे होते हैं। ये सभी लोग वे लोग थे जो कि एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग को देखने के लिए आए थे, साथ ही साथ इनमें से सभी की पावर हाफ मार्शल एम्परर लेवल तक पहुँच चुकी थी, और इनमें से सबसे कमज़ोर की पावर 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर थी। तभी जियान भी स्माइल करते हुए कहता है कि चेयरमैन गूली, 1 महीने तक आपको ना देखने के कारण वास्तव में मैंने भी आपको बहुत याद किया है। जिसके बाद जियान के चेहरे में भी अचानक से स्माइल आ जाती है और वो गूली की तरफ देखते हुए ऐसा कहता है। जैसे ही पीछे के हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर्स भी ये सुनते हैं कि ये ह्यूमन फिगर यान जियो हैं, तो वे लोग भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग नजरें अपनी तरफ दिखाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग तरीके से जियान को देख रहे होते हैं। जिसके बाद वे सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने जियान के बारे में सुना था कि बाहर के लोग जियान के बारे में कह रहे थे कि जियान डरपोक और कायर है, इसीलिए उसने एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ना ही वो वहाँ पे आने की हिम्मत कर रहा था। हालांकि ये सोच केवल नॉर्मल लोगों की थी जो कि मैंगो मैन थे, मतलब आम आदमी। हाफ मार्शल एम्परर लेवल के एल्डर्स और वॉरियर्स को, या कि यहाँ पे बैठे हुए पावरफुल लोगों को अच्छी तरीके से पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि वो अपने दिल में ये अभी भी जानना चाहते थे कि जियान आखिरकार गायब कहाँ हो गया था, और वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा एड ही करते, जिसके कारण वो लोग काफी ज्यादा उदास तरीके से जियान को देख रहे होते हैं। और ये होते हैं मोडी और ओल्ड मैन, ओल्ड डेमन हु। मोडी जैसे ही जियान को एशियन सोई सिटी में देखता है तो उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे 1 महीने पहले ओल्डुओ के कारण एक थप्पड़ पड़ा था जिसका कारण जियोयान ही था, और उसका बदला जियोयान से ये लेना चाहता था, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता था कि अगर जियोयान यहाँ पर नहीं होता तो एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग पहले ही एंड हो चुकी होती, और एशियन सोई सिटी के एल्केमिस्ट एसोसिएशन पे इस टाइम पे उसका कंट्रोल होता। हालांकि यान जियो के कारण उसकी सभी स्ट्रेटजीज बार बार बर्बाद हो गई थी, साथ ही साथ उसे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत थी वो थी जियोयान की एल्केमी लेवल, जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक था। उसे अच्छी तरीके से पता था कि इतनी कम उम्र में जियोयान के पास पहले ही काफ़ी भयानक लेवल की पावर है, साथ ही साथ हेवनली स्केल का, सॉरी हेवनली फ्लेम्स का सपोर्ट है, काफ़ी पावरफुल डू स्केल्स हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियोयान कौन था और वो कहाँ से आता था, इतनी सारी चीज़ें मोडी को हराने के लिए और उसकी हालत ख़राब करने के लिए पहले ही काफ़ी थी। उसने अच्छी तरीके से देखा था कि जियोयान जब एशियन सोई सिटी के अंदर फर्स्ट टाइम आया था तो उसने 6 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर को हरा दिया था, साथ ही साथ 3 स्टार मार्शल एम्परर लेवल पर होने के बाद भी उसने ओल्ड लुओ को भी इम्प्रेस कर लिया था, और साथ ही साथ एल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर रैंक 2 का एल्केमिस्ट बैच भी उसने अचीव कर लिया था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए वो समझ गया था कि जियोयान स्टार्टिंग से ही यहाँ पे एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के लिए ही आया था। साथ ही साथ उसने जियोयान को मारने के लिए 7 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के 2 वॉरियर्स को भी भेजा था, जिन्हें जियोयान ने पहले ही मौत के घाट उतार दिया था, इसीलिए इस टाइम पे जियोयान को तो वो बिल्कुल एक डेमन और एक मॉन्स्टर की तरह देख रहा होता है। हालांकि मोडी अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है, बास्टर्ड, क्या हुआ अगर तुम लौट आए हो तो एक बार एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग को स्टार्ट हो जाने दो, जिसके बाद ओल्ड मैन तुम्हें खुद अपने पैरों के नीचे दबा कर हरा दूंगा, जिसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी औकात अभी भी कुछ भी नहीं है। हालांकि मोडी की तुलना में ओल्ड डेमन हु काफ़ी ज़्यादा शांत और उसके बगल में खड़ा हुआ होता है। उसने जियान को काफ़ी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया था और वो एक ही नज़र में देखने में बताने में कैपेबल था कि जियान का जो ऑरा है वो पहले ही 3 स्टार के पीक लेवल तक पहुंच चुका है, और बस अब जियान यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके 4 स्टार में कभी भी इंटर हो सकता है। हालांकि ओल्ड हु तुरंत ही मोडी की तरफ देखते हुए कहता है कि मोडी, क्या तुमने 1 महीने के अंदर जियान के बारे में कुछ भी पता लगाया है कि आखिरकार वो कहाँ था? मुझे अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है। ओल्ड हु की बात को सुनकर तो मोडी के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं। हालांकि वो थोड़ा सा एम्बेरस फील करते हुए ओल्ड हु की तरफ देखता है, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता था कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो इसमें बिल्कुल भी कुछ भी झूठ नहीं होगा। इसीलिए मोडी तुरंत ही जियान की तरफ देखता और अपनी स्पिरिचुअल पावर से जियोयान को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है। तभी जियोयान, जो कि गूली से बात कर रहा होता है, अपने आसपास की काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और अनप्रेडिक्टेबल स्पिरिचुअल पावर को तुरंत ही फील कर लेता है, जिसके बाद जियोयान एक कोल्ड स्माइल पास करता है, क्योंकि वो फील कर सकता था कि यह स्पिरिचुअल पावर उसे धीरे धीरे घेर रही है।
हालांकि हेम्यू की स्पिरिचुअल एसेंस और डुइक्वी को ऑब्जॉर्व कर लेने के कारण जोयान के प्रेजेंट टाइम की स्पिरिचुअल एसेंस और स्पिरिचुअल पावर और नॉर्मल पावर मोडी से तो बिल्कुल भी कम नहीं थी। इसीलिए जोयान ने तुरंत ही पता लगा लिया था कि मोडी उसकी बॉडी को स्कैन करना चाहता है। हालांकि तभी एक आवाज़ आती है कि यान जियो, क्योंकि आप लौट चुके हैं तो यह टाइम है एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग को फिर से स्टार्ट करने का। आखिरकार हमने 1 महीने से काफ़ी इंतजार किया है आपका, क्योंकि अब तक दोपहर का टाइम हो गया था, तो इसका मतलब था कि एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग को स्टार्ट करने का टाइम आ गया था। गुली के वर्ड को सुनकर तुरंत ही पीछे हाफ मार्शल एम्पायर लेवल के वॉरियर भी शोर मचाने लगते हैं, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इस एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के लिए, जिनका उन्होंने 1 महीने से इंतजार किया था और आखिरकार वो टाइम अब जाकर आया था। तभी जॉन भी अपना हाथ जोड़कर उन्हें ग्रीट करते हुए सभी हाफ मार्शल एम्पायर लेवल के वॉरियर को ग्रीट करता है और इसके बाद स्माइल करते हुए कहता है, मैं जानता हूं कि मेरी वजह से आप सभी लोग को 1 महीने में बेकार ही इंतजार करना पड़ा है, जिसके कारण आप लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और परेशानियां भी हुई होंगी, जिसके कारण मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। ये देखकर तो वो हाफ मार्शल एम्पायर लेवल के वॉरियर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और जॉन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जॉन ने यह ईमानदारी से किया था या चापलूसी से। जॉन ने वास्तव में इतने सारे लोगों के सामने माफ़ी मांगी थी, ये पहले ही ये बताने के लिए काफ़ी था कि जॉन अपनी चीज़ों को लेकर कितना ज़्यादा पॉजेसिव है। जिसके बाद जॉन अपने हाथों को नीचे करता और स्माइल करते हुए उन सभी हाफ मार्शल एम्पायर लेवल के वॉरियर्स को देखता है। हालांकि जॉन को पता था कि इनमें से कोई भी उस लेवल तक नहीं है जो कि उसे खतरा फील करा सके, लेकिन जॉन फिर भी इनके साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहता था, क्योंकि जोयान को अच्छे से पता था कि चूहा कब शेर के काम आ जाए इसका कोई भी भरोसा नहीं है। एल्डर गूली भी जोयान की जब इन हरकतों को देखते हैं तो तुरंत ही स्माइल करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था इससे जोयान की रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और साथ ही साथ जोयान के उनके एल्केमिस्ट एसोसिएशन से जुड़ जाने के कारण काफ़ी सारे पावरफुल एल्केमिस्ट इस एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग को देखने के लिए आए थे, और वो सभी लोग बस एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के शुरू होने का ही वेट कर रहे थे, क्योंकि उन सभी को जोयान का ही इंतजार था। हालांकि यह माहौल जो कि अब तक काफी ज्यादा चिल हो गया था कि तभी अचानक जोयान के हाथ में हेवनली फ्लेम अपेयर होती है, जिससे आसपास का टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता है और सभी लोग काफी ज्यादा चौंकते हुए जोयान की तरफ देखते हैं। लेकिन जोयान उन सभी को इग्नोर करते हुए किंग जोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि ब्रदर किंग जोंग, इस आदमी ने आपको मारने के लिए आखिरकार किस हाथ का उपयोग किया था। जोयान के वर्ड काफी ज्यादा शांत थे, लेकिन किंग जोंग समझ गया था कि यहाँ पे जोयान कोई ना कोई बड़ा कांड करने वाला है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा दंग रह जाता है। हालांकि वो जल्दी ही खुद को ठीक करते हुए अपना रिएक्शन देता है और जोयान को बताता है। ऊपर खड़े हुए जैसे ही सभी लोग जोयान के ये वर्ड सुनते हैं तो जोयान की रिस्पेक्ट उनके दिल में और बढ़ जाती है कि जोयान इतना ज्यादा रेयर ह्यूमन था जो कि अपने फ्रेंड के लिए भी अपना सब कुछ दे सकता था और किसी से भी फाइट ले सकता था। किंग जोंग तुरंत ही अपनी चेस्ट की तरफ देखता है, जिसमें उसकी चेस्ट के ऊपर लाल रंग के 5 निशान बने हुए थे जो कि 5ों उंगलियों के थे, जिसे देखने पे पता चलता है कि ये उसका राइट हैंड होना चाहिए था। ये देखकर जियान तुरंत ही स्माइल करता है और किंग जोंग के कुछ भी बोलने का इंतजार नहीं करता, और इसके बाद जैसे ही जियान मुड़ता है तो एक इविल स्माइल और काफी ज्यादा क्रूअल फेस इंप्रेशन के साथ जियान की आंखों से फ्लेम निकलने लगती है, जिसके बाद जियान अपने हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करता है और तुरंत ही जियान फायर बॉडी में चेंज हो जाता है और जॉन की पूरी बॉडी से फ्लेम निकलने लगती है। उसी टाइम पे मोडी जैसे ही जॉन को इस तरीके से देखता है तो उसकी स्पिरिचुअल पावर को वो तुरंत ही वापस ले लेता है। हालांकि उसने काफी ज्यादा स्पीड के साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर को वापस लिया था, लेकिन जॉन के इस अटैक के चार्ज होने के कारण उसकी स्पिरिचुअल पावर का कुछ हिस्सा काफी ज्यादा घायल हो गया था, जिसके कारण फ्यूचर में उसे इसे रिकवर करने में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। तभी मोडी चिल्लाते हुए कहता है, लालत है, यह कितना ज्यादा क्रूएल है। तभी जॉन तुरंत ही स्माइल करते हुए मोडी की तरफ देखता है, वो जान जाता है कि मोडी की तो हालत खराब हो चुकी है, जिसके बाद जॉन अपने सामने वाले को काफी ज्यादा गुस्से से देखता है और अपने राइट हैंड से हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करते हुए उसके राइट हैंड पर अटैक कर देता है, और जॉन के एक ही अटैक के साथ उसका राइट हैंड जल के राख में बदल जाता है और वो आदमी तो पहले ही बेहोश हो चुका था। इस टाइम पे उसकी बॉडी भी एक भुने हुए आलू की तरह दिखाई दे रही थी। आखिरकार ये करने के बाद जोयान के दिल को शांति मिलती है और जोयान अपनी हवेली फ्लेम को वापस से अपनी बॉडी में ले लेता है, जिसके बाद उस आदमी को देखता है जो कि काफी ज्यादा बेहोश पड़ा था। वो बेहोश था या मर गया था इसके बारे में तो पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन जोयान के कैरेक्टर को देखते हुए हमें अच्छी तरीके से पता है कि कभी भी जोयान अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता था, ना ही उसके ऊपर कभी भी दया दिखाता था। तो चलिए अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं, ताकि टाइम से ये एपिसोड में अपलोड भी कर सकूं।
10 पहले ही बज गया, तो मुझे नहीं पता ये वीडियो कब तक अपलोड हो पाएगा। तो जब तक अपलोड हो आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी कमेंट आपको करना ही है तो आप लोगों ने पहले ही कर दिया होगा। जिसने लास्ट तक देखा है उसने ये भी सुन लिया होगा, तो वो नहीं भी किया है तो जाकर कर देना। और हाँ, पिछले वीडियोस को भी देख लेना जिसने नहीं देखा है। क्या बेवकूफ़ी है यार, ये तो वीडियो के पहले बोलना चाहिए था। खैर, गुड नाइट 3N फैमिली, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।